भी मुंह खोलने में दिक्कत होती है या आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो कम हो चुकी है, या आपको अपनी जुबान को बाहर निकालने में दिक्कत होती है, आपकी गालें जो है वो पिचक चुकी हैं, या आपके मुंह का अंदर का जो एरिया है वो सफ़ेद हो चुका है, या खाना खाते वक्त या कुछ भी स्पाइसी खाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है और आप खाने का स्वाद नहीं ले पाते, अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को अंत तक देखें और जानिए आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका इलाज क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टोन। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। टॉपिक ऑफ द डे इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो अगर आप पान, तंबाकू, जर्दा या कोई भी ऐसी चीज जिसमें सुपारी है उसका सेवन कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपको OSMF है या हो सकता है उस कंडीशन में। तो पहली चीज होगी वो ये कि आपका माउथ ओपनिंग, मुंह का खुलना कम हो जाएगा, वो इतना कम हो जाएगा कि एक से डेढ़ उंगलियां आधी उंगली तक जाएगा। उस कारण आपको बोलने में दिक्कत आएगी, खाना खाने में दिक्कत आएगी, आपकी जो गालें हैं वो पिचक जाएंगी, वो हार्ड हो जाएंगी और साथ ही साथ आप जब भी कुछ खाएंगे तो आपको बहुत जलन महसूस होगी। इसके साथ साथ आपके मुंह का जो अंदर का हिस्सा है वो सफ़ेद हो जाएगा, बिल्कुल वाइटिश हो जाएगा। तो अगर आपको भी ये सब दिक्कतें हैं तो चांसेस है कि आपको OSMF है। किस स्टेज पे है, किस कंडीशन में है वो बात अलग है, लेकिन आपको है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। पान, तंबाकू, जर्दा ऐसी चीजों में सुपारी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो सुपारी खाने से हमारे मुंह में जो ये गाले हैं यहाँ पे फाइबर बैंड बन जाते हैं, इसीलिए हम इस बीमारी को कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। मतलब ओरल मतलब मुंह, सब म्यूकस मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, और फाइब्रोसिस मतलब बैंड्स बन जाना। तो यहाँ पे बैंड्स बन जाते हैं। तो सुपारी खाने से कुछ चेंजेस आते हैं हमारे मुंह में जिस कारण फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं। अगर आपको मेडिकल रीजन जानना है इसके पीछे का कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, मैंने ऊपर टैग कर दी है, आप देख सकते हैं। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे क्या क्या होता है, कौन सी एंजाइम टूटती है, बनती है, जिस कारण वो फाइब्रस बैंड बनते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि कॉजेज और बीमारी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बिना डायग्नोसिस के कभी ट्रीटमेंट नहीं होता, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। रही बात OSMF की, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस में ये होता है। कुछ लोगों का मुंह अभी तीन उंगली खुलता है, कुछ का दो उंगली खुलता है, कुछ का एक खुलता है, कुछ का बिल्कुल नहीं खुलता है। तो मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, कॉल्स आती हैं कि उनका मुंह नहीं खुलता है, तो मैं उन्हें बिना देखे उनका ट्रीटमेंट नहीं बता सकता और एक ट्रीटमेंट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हर पेशेंट अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। इसीलिए अगर आप OSMF का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज़ जो ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप जो भी पान, तंबाकू, जर्दा जो भी ले रहे हैं उसको कम्प्लीटली छोड़ दें और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। उसके बाद है अपनी डाइट जो है आपकी, वो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। गाजर, टमाटर, हल्दी, इसका यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा आपको अपनी डाइट में, और एज अ मेडिसिन या मल्टीविटामिन के तौर पर आप इन्हीं चीज़ों के जो एक्सट्रैक्ट मेडिसिन आती हैं जैसे लाइकोबीन एक्सट्रैक्ट हो गया, क्यूकर्मिन एक्सट्रैक्ट हो गया, बीटा कैरोटीन एक्सट्रैक्ट हो गया, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और मेडिसिन हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्जरी है जो कि स्कैल्पल है और लेज़र भी है, तो वो सब ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। लेकिन आपके लिए क्या परफेक्ट है, क्या रीजनेबल है, क्या होना चाहिए आपके लिए, वो अलग बात है, क्योंकि वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करने के लिए पूरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टोन। सी यू टुमॉरो।